यात्रा पर निकले IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि वानखेड़कर ने NMC बिल के विरोध में फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों डॉक्टर और मेडिकल के विद्यार्थियों के साथ चर्चा की। चर्चा में तय किया गया कि 25 मार्च को इंदिरा गांधी मैदान पूरे देश के करीब 20,000 डॉक्टरों की महापंचायत की जा रही है, जिसमें सरकार के द्वारा लागू की जाने वाली NMC बिल का विरोध किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस चर्चा में मजे की बात तो ये है कि सरकार के खिलाफ सरकारी मेडिकल कॉलेज में बैठक आयोजित की गई है। आज मीटिंग हमारी NMC बिल के उपलक्ष्य में जो हमारी भारत यात्रा चल रही है उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट सर जो भारत यात्रा कर रहे हैं वो आए हुए हैं, उनको हमने यहाँ विजिट कराया है अपना, ताकि हमारे ESI मेडिकल कॉलेज के बच्चों को इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर इसका हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स पे होने वाला है। मुद्दा तो NMC बिल का विरोध करना है, क्योंकि NMC बिल के में अगर आ जाता है तो इसमें हमारे देश की हेल्थ व्यवस्था बिल्कुल लगमगा जाएगी। इसमें एक एग्जिट एग्ज़ाम है जो बच्चों को पास करना पड़ेगा आफ्टर 5 साल की MBBS के बाद। उनको अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो उनको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वो घूम फिर के फिर वहीं 12वीं क्लास तक। और अगर दूसरा है ब्रिज कोर्स का, तो आयुष वाले हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, वो सबको 6 महीने की ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट एलोपैथी के बराबर लाना चाह रही है। तीसरा है कि उसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम उसमें रहें, और डॉक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने वाली है उसके अंदर, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। सर एक बार नाम अपना, टेक्निशियन। मैं डॉक्टर रवि वानखेड़कर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये भारत के MBBS एंड अबो जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं उनके सबसे बड़ा संगठन है। हमारे 3 लाख डायरेक्ट सभासद है और 4 लाख इनडायरेक्ट सभासद है, और पूरे भारतवर्ष में हमारे करीबन 2000 शाखाएं हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत के आम नागरिक की स्वास्थ्य की चिंता में और उसके लिए कार्य करता है, लेकिन सरकार की ऐसी नीतियों की वजह से इस देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाने वाली है, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन, ये जो बिल पूरी तरह जन विरोधी है, जिससे वैद्यकीय शिक्षा का स्तर घटेगा, वैद्यकीय शिक्षा महंगी होगी, वैद्यकीय सेवाएं सब महंगी होगी। ये छात्र विरोधी बिल है, ये राज्य विरोधी बिल है, ये घटना विरोधी बिल है, जिसमें अमीरों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 25 फरवरी से IMA भारत यात्रा पे हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण हर जिले में, हर गांव में, हर राज्य में जाकर आपके माध्यम से लोगों को ये बात समझा रहे हैं, और इस यात्रा का समर्पण 25 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली यहाँ होने जा रहा है। डॉक्टरों की महापंचायत हमने बुलाई है, जिसमें सभी डॉक्टरों के संगठन के प्रतिनिधि आएंगे, जिसमें IMA है, स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, सर्विस डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टूडेंट्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, रेसिडेंट डॉक्टर्स है। इन सब लोग करीबन 20,000 से 22,000 डॉक्टर्स इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमा होंगे और इस बात का चर्चा और फैसला करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे के आंदोलन की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए।